रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस एक ऐसी ऑटोइम्यून बीमारी है जिसकी उपस्थिति से रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे शरीर के जोड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शरीर के जोड़ों की परतें खराब होने लगती हैं। जोड़ों में सूजन, घुटने में दर्द, शरीर में तेज दर्द, हड्डियों का खींचना और जोड़ों में विकृति पैदा होना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। वैसे तो मुख्य रूप से रूमेटाइड अर्थराइटिस शरीर के जोड़ों को प्रभावित करता है, मगर कुछ मामलों में यह एक ही समय में शरीर के एक से अधिक जोड़ों को अपनी चपेट में ले सकता है। यह बीमारी खासकर कलाई, हाथ, घुटने और कूल्हे के जोड़ों में देखने को मिलती है। हालांकि यह शरीर के किसी भी हिस्से के जोड़ में हो सकती है। इतना ही नहीं, रूमेटाइड अर्थराइटिस शरीर के दूसरे टिश्यू को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण दिल, फेफड़ों, आंखों, खून या नसों में समस्या पैदा हो सकती है। शोध के मुताबिक पुरुषों की तुलना में यह बीमारी महिलाओं में अधिक पाई जाती है। यह बीमारी बूढ़े लोगों में बहुत आम है, मगर आजकल की लाइफस्टाइल के चलते यह युवाओं में भी देखने को मिलती है। मेरा नाम संगीता कदम है, मैं चोरल से खंडवा रोड पे रहती हूँ, वहाँ से आई हूँ। मैंने 3 साल पहले मतलब बहुत इलाज करा, डॉक्टरों के पास गई, असीम नेगी को भी दिखाया और एलोपैथिक दवाएं खाई, और उसके बाद में मैंने, मेरी एक सहेली थी ज्योति करके, उन्होंने ये जैन सर अर्पित सर का नंबर दिया मुझे कि आपको इतनी जगह दिखाया, आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो आप वहाँ जाकर देख लो। फिर मैं उनके कहने से यहाँ पर आई सर के पास, तो सर ने फिर मुझे दवा लिख के दी, तो एक आधी मैंने खाई, मैंने फिर मैंने सोचा उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, थोड़ा क्या, मुझे ऐसा लगा कि बहुत आराम मिल रहा, रिलैक्स। मैं तपेली जो चाय की रखती थी ना सर, तो वो भी नहीं उठा पाती थी, मतलब यहाँ पर इतना दर्द था भयंकर, रात भर सो नहीं पाती थी। फिर वो जो रेगी सर थे, उन्होंने कहा था कि आप तो इंजेक्शन लगेंगे तो ये होगा तो वो होगा, मैं डर गई। फिर मैंने सोचा कि अब यहाँ से तो मेरा काम नहीं होगा, मैं दूसरी जगह दिखाती हूँ, तो फिर यहाँ पे आई मैं, मेरी सहेली ने बताया था, और मुझे यहाँ पर 6 महीने ही हुए इलाज के लिए, और इतना आराम हो गया है कि मेरा 90% अर्थराइटिस सुधर गया, मतलब अच्छा हो गया है, और अब 10% रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा। मैंने ज्यादा दवा ली नहीं है, 6 महीने ली है ज्यादा से ज्यादा, और 3 साल से मुझे अर्थराइटिस था सर। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे और भी भाई बहन है तो मैं उनको भी बताऊँ कि ये होम्योपैथिक से बहुत अच्छा फायदा होगा, मतलब कि जो दवाई अपन वो खाते हैं उससे नुकसान होता है, ये दवाई खाएंगे तो हमारे शरीर में लाभ भी होगा और नुकसान भी नहीं होगा, और जो इलाज है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा और जड़ से खत्म हो जाएगा। सर ने कहा था कि जड़ से मिट जाएगी आपकी बीमारी, तो मेरे को विश्वास है कि जड़ से ही मिट जाएगी सर। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी बिना परहेज का ट्रीटमेंट है। इसमें मॉडर्न होम्योपैथी में ऐसा कोई दवाई नहीं है जिसके कारण हम आपको काफी सारे परहेज का सामना करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि इस दवाइयों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता, तो ये अच्छी बात है कि इसके कारण कोई दूसरे दुष्प्रभाव नहीं होते, कोई किसी प्रकार का सप्रेशन की हिस्ट्री इन मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों, ये एक वरदान है मॉडर्न होम्योपैथी का कि इस पूरे ट्रीटमेंट से हम इस बीमारी को जड़ से समाप्त करें, बिना परहेज के, बिना साइड इफेक्ट के फास्ट ट्रीटमेंट करें। तो आप इन्हीं दवाइयों में इन चारों पांचों बीमारियों को मिलाकर एक कंपाइल्ड किट बनाकर एक साथ इन बीमारियों का इलाज ले सकते हैं, ताकि आपको 4 या 5 डॉक्टर्स का अलग अलग ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आप खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें, मॉडर्न होम्योपैथी को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में उपयोग लें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी, मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।